गाइस, अगर आप लोग भी कुछ इस तरीके का फोटो एडिटिंग सीखना चाहते हो तो गाइस इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखो। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इस तरीके का एडिटिंग स्टेप बाय स्टेप सिखाया हूँ, बिल्कुल न्यू ट्रिक के साथ, ठीक है। सो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखना, एंड वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना, एंड पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा देना। चलिए आज कमल की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस प्ले स्टोर से फोटो रूम एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। गाइस मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, आप लोगों को ओपन पर टैप करके ओपन कर लेना है फोटो रूम एप्लीकेशन को। ओपन करने के बाद गाइस आप लोगों को स्टार्ट फॉर फोटोज पर टैप करके जिस फोटो को आप लोग एडिटिंग करना चाहते हो सिंपली उस फोटो को इनपुट कर लीजिए। जैसे कि गाइस मैं इनपुट कर लिया, एंड कुछ इस तरीके का प्रोसेसिंग लेगा, एंड वन क्लिक में आपका जो बैकग्राउंड है प्रोफेशनल तरीके का इरेज कर देगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपका डाटा कनेक्शन ऑन रखना थोड़ा सा टाइम लग सकता है अगर नेट स्लो है तो, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बैकग्राउंड इरेज हो चुका है। आप लोगों को बैकग्राउंड को चेंज करना है तो गाइस सिंपली मैं फोटो के अंदर टैप करूंगा, और यहाँ से गाइस आप लोगों को बैकग्राउंड के अंदर टैप करना है। टैप करने के बाद गाइस आप लोगों को चेंज बैकग्राउंड पर टैप करना है, और उसके बाद गाइस माय फोटोज पर टैप करके बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है। आप लोग देख सकते हो गाइस एक ही बार में बैकग्राउंड चेंज हो चुका है, ठीक है। लेकिन गाइस फोटो उतना अमेजिंग या अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि गाइस फोटो के अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं डाला हूँ अभी तक। जो कुछ भी करेंगे हम लोग स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर करेंगे। सो गाइस चलिए स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर इस फोटो को मैं शेयर कर लेता हूँ सबसे पहले, और शेयर करने के बाद गाइस मैं स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर ओपन कर लूँगा फोटो को। गाइस फोटो स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर ओपन हो चुका है। सबसे पहले गाइस फेस को स्मूथ करना है और व्हाइट करना है। उसके लिए गाइस आप लोगों को टूल्स वाले ऑप्शन के अंदर जाना है, और यहां से गाइस आप लोगों को सिलेक्टिव वाले टूल्स को सिलेक्ट करके जूम कर लेना है, एंड फेस के अंदर कुछ इस तरीके से अप्लाई करना है जहाँ पर ब्लैक दिख रहा है, ठीक है। और उसके बाद ब्राइटनेस को हाई कर देना है, और फिर से प्लस वाले आइकन के अंदर टैप करना है, और यहाँ से गाइस आप लोगों को प्लस वाले आइकन को फिर से सिलेक्ट करके आप लोगों को ब्राइटनेस को हाई कर देना है, और कुछ इस तरीके से जहाँ पर ब्लैक दिख रहा है कुछ इस तरीके से आप लोग व्हाइट कर लीजिएगा, ठीक है। सो गाइस मैं कर रहा हूँ व्हाइट, एंड आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत इजीली व्हाइट हो रहा है, ठीक है। अब गाइस आप लोगों को फिर से यहाँ पर राइट क्लिक कर देना है। करने के बाद गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी हद तक व्हाइट हो चुका है। फिर से मैं टूल्स वाले ऑप्शन के अंदर टैप करूँगा और टोन इमेज पर जाऊँगा, और यहाँ से गाइस आप लोगों को थोड़ा सा ब्राइटनेस को हाई कर देना है, एंड कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा हाई, और उसके बाद गाइस आप लोगों को एज ऑप्शन दिख रहे हैं ना इसको भी हाई कर देना है, और उसके बाद हाईलाइट को माइनस की तरफ, एंड यहाँ से शेडो को हाई, और अब आप लोगों को राइट क्लिक करना है। करने के बाद गाइस आप लोगों को फिर से टूल्स वाले ऑप्शन के अंदर जाना है, और अब गाइस आप लोगों को क्रॉप वाले टूल्स के अंदर जाना है, और यहाँ से थोड़ा सा कुछ इस तरीके से व्हाइट कर देना है आप लोगों को, ठीक है। फिर से राइट क्लिक करना है। करने के बाद आप लोगों को आप फेस को स्मूथ करना है। इसके लिए गाइस आप लोगों को टूल्स वाले ऑप्शन के अंदर जाना है, और यहाँ पर पोर्ट्रेट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इसके अंदर टैप करना है। करने के बाद गाइस आप लोगों को स्मूथ टू वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, और आप लोगों को कुछ इस तरीके से देना है इफेक्ट, ठीक है। स्किन स्मूथ को फुल्ली हाई कर देना है। हाई करने के बाद गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कितना ज़्यादा स्मूथ हो चुका है फोटो, एंड बिफोर आफ्टर आप लोग देख सकते हो। अब गाइस आप लोग और भी ज़्यादा फेस के अंदर व्हाइट चाहते हो तो गाइस आप लोगों को फेस से टूल्स वाले ऑप्शन के अंदर जाना है, और यहाँ से सिलेक्टिव वाले टूल्स, और कुछ इस तरीके से आप लोगों को फेस से देना है, ठीक है, जो कि मैं दे रहा हूँ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से देना है। अब गाइस नीचे के साइड भी देना है कुछ इस तरीके से आप लोगों को, एंड अब आप लोगों को डिटेल्स डालना है। डिटेल्स को मैं हाई कर देता हूँ, एंड सरपनेस को भी मैं हाई कर दूंगा, एंड अब गाइस आप लोग फोटो देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर कितना ज़्यादा अमेजिंग लुक आ चुका है फोटो के अंदर, ठीक है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे ये सारी चीज़। वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक करो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।